वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के एक बेहतरीन बल्लेबाज संजू सैमसन के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका रियल नेम था संजू विश्वनाथ सैमसन, वहीं इनका निक नेम है संजू। दोस्तों, संजू सैमसन का जन्म 11 नवंबर सन 1994 को त्रिवेंद्रम केरला में हुआ था, और 2021 के अनुसार से यह फिलहाल 27 वर्ष के हैं। यदि बात करें इनके राशि चक्र चिन्ह के बारे में, तो संजू सैमसन का राशि चक्र चिन्ह है वृश्चिक राशि। दोस्तों, यदि बात करें संजू सैमसन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको बता दें कि संजू सैमसन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम से कंप्लीट किया। वहीं इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मार इवेनियोस कॉलेज त्रिवेंद्रम से कंप्लीट की। यदि बात करें इनके हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इनका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। दोस्तों, अब बात करते हैं संजू सैमसन के फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि संजू सैमसन के पिता का नाम सैमसन विश्वनाथ है, वहीं इनकी माता का नाम लीजी विश्वनाथ है। यदि बात करें इनके भाइयों और बहनों के बारे में, तो संजू सैमसन का एक छोटा भाई है जिनका नाम है सैली सैमसन। वहीं दोस्तों, संजू सैमसन ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। यदि बात करें इनके हॉबीज की, तो इनकी हॉबीज है ट्रैवलिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं संजू सैमसन के मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो आपको बता दें कि संजू सैमसन मैरिड हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में अपनी क्लासमेट चारुलता से शादी रचा ली। दोस्तों, यदि बात करें संजू सैमसन के डोमेस्टिक क्रिकेट कैरियर के बारे में, तो आपको बता दें कि संजू सैमसन का क्रिकेट कैरियर अंडर 13 मैच से केरल के लिए शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट के डेब्यू मैच में इन्होंने न केवल शतक बनाया, बल्कि अगले 5 मैच में इन्होंने लगातार 4 शतक भी बनाए। बाद में इन्होंने केरल टीम की कप्तानी भी की। फिर दोस्तों, संजू सैमसन को विजय मर्चेंट ट्रॉफी में भी खेलने का अवसर मिला, जिसके मैच में इन्होंने गोवा के खिलाफ 200 रन की शानदार पारी खेली, तथा ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन स्कोरर भी यही रहे। फिर दोस्तों, सन 2012 में अंडर 19 एशिया कप के लिए इन्हें चुना गया, जिसमें इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन दोस्तों, पुनः इन्हें 2013 में अंडर 19 एशिया कप के लिए चुना गया, जहां इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई। दोस्तों, अब बात करते हैं संजू सैमसन के इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर के बारे में। तो आपको बता दें कि सैमसन के धुआंधार बल्लेबाजी के कारण अगस्त 2014 में इंग्लैंड के दौरे के लिए बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में इन्हें चुना गया, लेकिन उस श्रृंखला में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। फिर संजू को वर्ष 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे के लिए अम्बाती राइडू के विकल्प के रूप में बुलाया गया था, लेकिन फिर से प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। हालांकि उसी श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में इन्हें खेलने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने महज 19 रन बनाए। फिर वर्ष 2020 में इन्हें फिर से न्यूजीलैंड दौरे के लिए T20 टीम में चुना गया। दोस्तों, अब बात करते हैं संजू सैमसन के IPL कैरियर के बारे में। तो आपको बता दें कि IPL 2012 में संजू को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। उन्हें इस सीजन में खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सीनियर्स से काफ़ी सीख ली। फिर वर्ष 2013 में IPL में राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को नीलामी में खरीद लिया। फिर इन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ अपने IPL कैरियर की शुरुआत की। इस सीजन के बेंगलुरु के खिलाफ मैच में इन्होंने 42 बॉलों में 63 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाई। फिर वर्ष 2015 में राजस्थान ने इन्हें 4 करोड़ रुपया देकर फिर से अपने टीम में रिटेन कर लिया। फिर वर्ष 2016 में जब राजस्थान रॉयल्स को IPL से बाहर किया गया, तब दिल्ली की टीम ने इन्हें खरीद लिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2017 के IPL में संजू ने पुणे के खिलाफ अपना IPL T20 मैच में पहला शतक लगाया था। दोस्तों, यदि बात करें संजू सैमसन के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि संजू सैमसन का नेटवर्थ है करीब $6 मिलियन। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो संजू सैमसन के पास एक लेक्सस कार और एक स्विफ्ट डिजायर कार है। तो दोस्तों, यह थी संजू सैमसन के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।